जो भजे हरि को सदा सो ही परम पद पावेगा, सो ही पद परम पावेगा, सो ही पद परम पावेगा। जो भजे हरि को सदा सो ही परम पद पावेगा। बड़ा मंदिर है, इसको रंगनाथ भगवान के नाम से जानते हैं। तीन नामों से रंगनाथ भगवान, विष्णु भगवान, सोने के खंभे वाला मंदिर। 108 की व्यवस्था नहीं है और भगवान परमात्मा में अपूर्ण मिलने की व्यवस्था नहीं है। भगवान जब मिलेंगे तो पूर्ण ही मिलेंगे आपको, लेकिन संसार जो मिलेगा तो अधूरा ही मिलेगा आपको। कुछ ना कुछ कमी भगवान ने छोड़ी, जिसको कलयुग में प्रभु ने इतना धन दे दिया उसको दान देने के लिए मन ही नहीं दिया भगवान ठाकुर जी, और जिसको मन इतना बोला ठाकुर जी ने उसको धन ही नहीं दिया भगवान का, और जिसको धन भी दिया है मन भी दिया है तो उसको पुत्र संतान नहीं दिया भगवान। संसार जब पूर्ण मिल जाएगा तो भगवान के दरबार में कौन आएगा? राधा रानी के धाम में भगवान, वो तो स्वयं भगवान बन जाएगा ठाकुर दरबार। तो इस वृंदावन में आने के लिए प्रोग्राम बनाइए, हम वृंदावन धाम जाएंगे, वृंदावन धाम जाएंगे। तो प्रोग्राम बनाने वाले बंदे कभी वृंदावन में नहीं आ पाते और पैसे के ताकत से भी नहीं आया जाता है, लेकिन जब हमारी बिहारी जी की कृपा होती है, हमारी लाली जी की कृपा होती है, वो ऐसा प्रोग्राम बना देती हैं नहीं आने वालों को भी वृंदावन धाम लेकर के आते। प्रोग्राम रोज बनते हैं और बन के टूट जाते हैं, और वृंदावन तो वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। जब तक बिहारी जी का आदेश नहीं होगा प्राणी वृंदावन में पैर नहीं रख पाते। और हमारे संत लोग बताते हैं वृंदावन में भक्ति का चश्मा लगा के आएंगे, भक्ति की दूरबीन से वृंदावन को देखेंगे तो यहाँ कण कण में हमारा बिहार जी नजर आएगा, कन्हैया राधा रानी के साथ खेलता हुआ। और खाली पिकनिक मनाने या घूमने के हिसाब से आएंगे, टूटे फूटे मकान हैं, गंदी गली और कुछ नहीं वृंदावन के अंदर। ये वृंदावन भक्ति की जगह, भक्ति माता अपने दो पुत्रों को लेकर आई ज्ञान और वैराग्य। वृद्ध हो गए थे उनके बेटा पुत्र, भक्ति भी बाबा वृद्ध हो गई थी कर्नाटक प्रांत में बाबा। लास्ट में वृंदावन धाम जब पहुंची तो वृंदावन में आकर के भक्ति तो जवान हो गई, लेकिन उसके जो बेटे थे ज्ञान वैराग्य वो जवान नहीं हुए। नारद जी आए, उनको लेकर के गए गंगा हाट पर, हरिद्वार में बाबा गम दत्त पर उनको भागवत की कथा सुनाई तो उनका मुख्य भगवान ने किया था। तो ये वृंदावन राधा रानी की, कृष्ण भगवान की लीला भूमि। संस्कृत का वर्ड है वृंदा, संस्कृत में वृंदा बोलते हैं तुलसी को और वन बोलते हैं जंगल को। तो आज से 600 साल पहले सारा वृंदावन ही पहले तुलसी का जंगल था। माता बहने भजनों में गाती हैं, वृंदावन सा बन नहीं नंद गाँव सा गाँव, और बंसी बरसा बट नहीं कृष्ण नाम सा। कोई ऐसा ही संत हुआ होगा भारतवर्ष में जो वृंदावन धाम में नहीं आया। सबसे पहले हमारे वृंदावन में सच्चा भाव लेकर के आई थी चित्तौड़ की मीराबाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, और जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई। भारी कृष्ण की दीवानी, राजघराने के सुखों को ठुकरा दिया, वृंदावन धाम चली आई और रात में 12 बजे भगवान के दरबार में पहुंची। रात में हमारे कन्हैया ने मीरा जी को गिरधर गोपाल बनकर के दर्शन दिए। राणा जी को मालूम पड़ा कि हमारे कुल को कलंकित करने वाली वृंदावन धाम चली गई है, संतों से सत्संग करती है। उस समय महाराष्ट्र से आए थे संत, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ महाराज, सभी लोग आए थे, उनसे सत्संग चल रहा था मीराबाई का। उनको मालूम हुआ राणा जी को कि हमारे कुल को कलंकित करने वाली मीरा वृंदावन धाम चली गई है, तो राणा जी ने मीरा जी को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा। ऐसा नहीं बोलना इसमें जहर है, इसमें मीरा से यही कहना, मीरा तू बड़ा कृष्ण कृष्ण करती है, ये तेरे गोविंद का प्रसाद है तो पी ले अमर हो जाएगी। मीराबाई जहर को भी पी गई, कंठ तक तो कड़वा लगा लेकिन मेरे कन्हैया ने उसको जाकर के अमृत बना दिया। राणा जी को जाकर खबर किया, राणा जी वो तो जहर से भी नहीं मरी, कोई दूसरा उपाय सोचो। तो मीरा को मारने के लिए दूसरा उपाय सोचा गया। भजे हरि को सदा सो ही परम पद पावेगा। नाथ के मन भाए, जो भर
भजे हरि को सदा सो ही परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा सो ही परम पद पावेगा। इस मंदिर को लक्ष्मी चंद्र जैन ने बनवाया मनोकामना के द्वारा। सामने गई, मेन मंदिर का दर्शन किया, मनोकामना करी, 60 वर्ष की उम्र में उनको गोपाल दिया, तब ये मंदिर का निर्माण कराया। ये मंदिर और मेन मंदिर यहाँ आज भी मनोकामना मांगते हैं, बरबरस भर में पूरी करते हैं ठाकुर जी का। जो वृंदावन वृंदावन बोल के आते हो, वृंदावन बिहारी लाल का जो है, वृंदावन बिहारी लाल दाऊ जी महाराज के मूर्ति। इतने बड़े बड़े 7 गेट हैं मंदिर में, 5 परिक्रमा है इस मंदिर। 2 किलोमीटर का ये मंदिर बना हुआ है, पूरा मंदिर ठाकुर जी का। ये 160 जो भजे हरि को सदा सो ही परम पद पावेगा। सो ही पद परम पावेगा। सो ही पद परम पावेगा। जो भजे हरि को सदा सो ही परम पद पावेगा। सोने चांदी के आखिरी घोड़े पाले, उस साल में एक ही दिन भान निकालते हैं, उड़ी वाले दिन 10 दिन का मेला लगाते हैं। मेले में उसको भानों को निकालते हैं, आगे वाली मूर्ति सोने की है चलाई मां। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। पद पद निरव पद पद निरव नहीं किस काम के
बिना नहीं नाथ के मन भावे। जो भजे हरि को सदा सो ही परम पद पावेगा, जो भजे हरि को सदा सो ही परम पद पावेगा। मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हृदयम मधुरम यमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम।